नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो जिस प्रश्न की हम बात करने वाले हैं उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि यदि 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर से 20 कुर्सियां, 130 की दर से 15 तथा 150 की दर से 25 कुर्सियां खरीदी गईं, तो प्रति कुर्सी का औसत क्या होगा। हमें बताना है कि जो कुर्सी है उनका औसत मूल्य क्या होगा। अब 120 की दर से कितनी कुर्सी खरीदी गई, 20 कुर्सी, तो कुल राशि कितनी हो जाएगी, 120 और 20 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 12 दूनी 24, 2400 रुपए की 20 कुर्सियां खरीदी गई। फिर दूसरा कहा उसने कि दर 130 लगाई गई है और टोटल कुर्सियां कितनी खरीदी गई हैं, 15 है, तो दोनों को जब गुणा करेंगे तो 0 15 ती 45 की 5 और 15 एकम 15 और 4 19, 1950 की 15 कुर्सियां आई और तीसरी दर है 150, 150 की दर वाली कुर्सियों की संख्या है 25, दोनों का गुणा करेंगे तो 15 पना 75 की 5 और 15 दूनी 30, 30 और 7 37, 3750 की तीसरी कुर्सियां आ जाएंगी। यानी तीन प्रकार की कुर्सियां हैं, यह है संख्या उनकी, यह है राशि, ठीक है। तो 20 कुर्सियां खरीदी गई 120 के रेट से, तो टोटल उनका जो राशि आई वो 2400 रुपये आई। 15 कुर्सियां 130 के रेट से खरीदी गई, यानी 1950 रुपये में खरीदी गई, और 25 कुर्सियां 150 के रेट से खरीदी गई, तो टोटल 3750 रुपये में खरीदी गई। यहां पे हम कुर्सियों का टोटल कर देंगे और राशि का टोटल कर देंगे, तो 20 और 10 30 और 5 35 और 20 35 और 5 40 और 20 60 कुर्सियां हो जाएंगी। राशि कितनी हो जाएगी, यहां से 0 हो जाएगा, 5 और 5 10 हो जाएगा, 0 कैरिया 1, यहां 8 9 8 17, 17 और 4 21 की हासिल लगी, 1 2 2 2 4 5, 5 और 3 8, यानी 60 कुर्सियां जो हैं 8100 रुपए की आई हैं। तो हमें इसका औसत निकालना है। औसत बराबर क्या होता है, कुल योग, कुल योग है 8100 बटे संख्या, संख्या है 60, 0 से 0 काटेंगे, 6 से काट देंगे, 6 एकम 6, 2 बचा, 6 ती 18, 3 बचा और 6 पंची 10, यानी कुर्सी का एवरेज मूल्य कितना आ गया, 135 रुपए, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसमें तीनों कुर्सियों के हमने टोटल राशि निकाल ली और टोटल संख्या निकाल ली, और टोटल राशि में टोटल संख्या से भाग दिया, तो 135 रुपया कुर्सी का मूल्य हो गया। प्रति कुर्सी का औसत मूल्य कितना निकल के आया, 135 रुपया, ठीक है। और ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।